ऐसी घटना को देखकर कौन अधीर नहीं होगा। पूर्व जन्मों में भी जब भी ये दोनों एक दूसरे के समीप आए हैं, एक दूसरे के दुखों का कारण बने हैं। अब शकुन तो किया ही है ना इसने, फनवती लगा दी है ना इसने मेरी बेटी की जिंदगी में। एक दिन यही किसी को भेजेंगे जो सिर्फ तेरा होगा, तेरा अपना। ये लोग मुझे शरद समझकर मुझ पर अपना प्यार लुटा रहे हैं, और एक मैं हूं जो ये भी नहीं जानता कि जिस शरद के हिस्से का प्यार मुझे मिल रहा है वो इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है। इंस्पेक्टर, जब इसे हॉस्पिटल लाया गया तो ये इतनी बुरी तरह से जख्मी था कि इसे पहचाना भी मुश्किल था, और मैं तो कहूंगा कि ये एक चमत्कार ही है जो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी ये जिंदा है। सचमुच चमत्कार ही है। लेकिन डॉक्टर, इसे होश कब आएगा? फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसका चेहरा इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा। खैर, अगर कोई इससे मिलने आता है या इसके बारे में आपको कोई भी खबर मिले मुझे तुरंत बताइएगा। जी जरूर। हवलदार जी, सर तुम इसकी गाड़ी की एक बार फिर से तलाशी लो, और जो एक्सीडेंट वाली जगह है उसका फिर से मुआयना कराओ। शायद कोई सुराग मिल सके जिससे इसकी पहचान हो सके। चलिए। ये आपने मुझे किस दो राह पर खड़ा कर दिया है भोलेनाथ। मैं तो अपने हर रिश्ते हर नाते से मुंह मोड़ आया था, लेकिन आपने ऐसी लड़की को मेरे सामने खड़ा कर दिया जो अनजानी होने पर भी इतनी पहचानी सी लगती है। ऐसा लगता है कि मैं उसे पता नहीं कितने जन्मों से जानता हूं, और मैं जिसका प्यार पर से पूरा विश्वास ही उठ चुका था उससे प्यार करने लगा हूं, और अब जबकि मैं जानता हूं कि वो यहीं रहती है, इसी घर में रहती है, हे भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारी दुविधा यही है कि तुम अगर सच बता दी कि तुम शरद नहीं वीर हो तो तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा, और अपने प्यार को भी छोड़कर जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए उस लड़की को छोड़कर जाना होगा जिसे तुम चाहने लगे हो। तो इसमें परेशानी क्या है? बोल दो सबको कि तुम शरद हो, वीर नहीं, और रह जाओ इस घर में। पालो उस प्यार को जिसे तुम शायद अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहते हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। वैसे भी झूठ की बुनियाद कोई रिश्ता कैसे बन सकता है? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला तो ये, जाके बोल दो कि तुम वीर हो, शरद नहीं, और छोड़ के चले जाओ इस घर को, इस घर के लोगों को, साथ में अपने प्यार को, उस लड़की को जिसे शायद तुम अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहने लगे हो। और दूसरा ये कि बोल दो कि तुम शरद हो, और पालो अपने प्यार को, पालो अपनी जिंदगी को, हमेशा हमेशा के लिए। अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हारे हाथों में है। मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले तो नहीं कर सकता। अब एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, मुझे सही रास्ता भी दिखा सकता है। हेलो पलक। दादा आप कहाँ हैं? दादा आप जानते हैं ना, आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है।
फिर भी आप अपनी पलक को इस तरह से छोड़ के चले गए। दादा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए दादा आप जहां कहीं भी हो आप फौरन वापस आ जाइए। आऊंगा पलक, जरूर आऊंगा, एक बार तो जरूर आऊंगा, वो भी तुझे लेने। तू जानती है ना पलक कि तेरा दादा अपनी जिंदगी से क्यों भाग रहा है। आज फिर से मैं वही दो राह में खड़ा हूं जिसकी एक राह तेरे दादा को खुशियां ही खुशियां दिलाती है और दूसरी राह सिर्फ अंधेरा है उसमें। क्या हुआ दादा? दादा सब ठीक है ना? दादा आप ठीक है ना? दादा मुझे बताइए ना क्या हुआ। अरे पगली तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? अब एक तरफ शरद का सच है और दूसरी तरफ मेरा प्यार, वो प्यार जिसके बिना अब मेरी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसे चुनूं, अपने प्यार को या सच्चाई को। दादा अपने प्यार को शुरू से लेकर आज तक आपने हमेशा सिर्फ दुख ही देखे। इस बार जब ऊपर वाला खुद आपको इतनी खुशियां देना चाहता है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप वो खुशियां खुद से छीन लें। दादा अपनी पलक की बात पर यकीन कीजिए, अगर आपको लगता है कि यही वो लड़की है जो आपकी जिंदगी के अधूरेपन को खत्म कर सकती है और आपकी जिंदगी में वो सारी खुशियां ला सकती है तो दादा आप उन लोगों को सब कुछ सच सच बता दीजिए, फिर देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है दादा वो लोग आपकी बात जरूर समझेंगे। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, बाय। हाँ पलक तूने ठीक ही कहा कि मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं अपने प्यार को खुद अपने हाथों से ठुकराऊं और उस प्यार को जिसे पता नहीं मैं कब से खोज रहा था। लेकिन पलक मैं सच्चाई को छुपाना भी नहीं चाहता। मैं जाके आज ये सच्चाई सबको बता दूंगा और फिर अगर मेरे प्यार में ताकत होगी तो वो मुझे जरूर मिलेगी। जी कितनी सुंदर लग रही है। कौन? मैं तो हमेशा ही बहुत सुंदर लगती हूँ। तू 10 कोस से पता कर ले, मुझसे ज्यादा खूबसूरत बुढ़िया तुझे और कोई नहीं मिलेगी। क्या हाजी तू भी बस हर वक्त मजाक ही करती रहती। मैं तो स्वाति की बात कर रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही है ना वो आज। अच्छा हाजी मुझे बताना कि मेरी बहन स्वाति को जो लड़का देखने आया है वो खुद कैसा है? एकदम राजकुमार के जैसा है। बताया जी मैंने अपने गन्नू दादा से मन्नत मांगी, अगर ये शादी तय हो गई ना तो मैं गन्नू दादा को पूरे 501 मोदक का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं तो उस दिन खुश होऊंगी जिस दिन तेरी जिंदगी में भी कोई राजकुमार आ जाएगा और वो तुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा। हाजी अच्छा तू ये मिठाई लेकर जा, वहां सबने खाना खा लिया होगा। आजी सुन ये लॉकेट मेरे कन्नू दादा का आशीर्वाद, इसे स्वाति के गले में पहना दे। लेना आजी पहना दे उसके गले में। Thank you.
नारायण नारायण। नेत्र खोलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अपनी इस घोर तपस्या का अंत कीजिए। देव ऋषि नारद, जिस शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने का विचार तक इस संसार में किसी ने नहीं किया, उस शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने का दुस्साहस कैसे किया आपने? ऐसी कौन सी प्रलय, कौन सा भूचाल आ गया था देव ऋषि, जिसके चलते आपने हमारी इतने लंबे समय से चली आ रही तपस्या में बिगड़ डाली? भूचाल तो आया है दैत्य गुरु, और प्रलय भी आनी ही है, किंतु इस संसार में नहीं, अपितु आप ही की पुत्री के जीवन में। ये क्या करें देव ऋषि, किस में इतना साहस है जो शुक्राचार्य की पुत्र के जीवन में उछाल? देव गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ, जो हर जन्म में आपकी पुत्री के दुखों और कष्टों का कारण बनता रहा है, वो इस जन्म में भी आपकी पुत्री के समीप पहुंच चुका है। यह कदापि नहीं हो सकता। मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे तो देवयानी का जीवन पुनः अंधकार में प्रतीत हो रहा है। इस जन्म में भी उसके दुखों का कारण देव गुरु पुत्र कच्छ ही होगा। नहीं देव ऋषि, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस जन्म में हम अपनी पुत्री को कष्ट नहीं भोगने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी सीमा ही क्यों ना लांघनी पड़े। सीमा दैत्य गुरु? हाँ देव ऋषि नारद, सीमा। हम जानते हैं यदि कच्छ हमारी पुत्री के समीप पहुंचा है तो अवश्य उसकी सहायता गुरु बृहस्पति ने की होगी। यदि गुरु बृहस्पति हमारी पुत्री के जीवन को कष्ट में बनाने के लिए अपने पुत्र की सहायता कर सकते हैं, तो हम भी अपने पुत्र के जीवन से कष्ट नाम की काली छाया को दूर रखने के लिए उसका जीवन धारण भी कर सकते हैं। दैत्य गुरु, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है देव ऋषि नारद, वही जो सत्य है। महादेव के भक्त हैं हम, और ये हम प्रण लेते हैं कि हम अपनी पुत्री के जीवन में कच्छ का प्रवेश कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तूने तो कुछ खाया ही नहीं, रुक मैं तेरे लिए पूरी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं काकू, आप पेट में बिल्कुल जगह नहीं बची। अरे इतना जवान जहान मुलगा और इतने कम खोरा, क्या बात है, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं आजी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। इनफैक्ट मैं ये पूछने वाला था कि ये खाना बनाया किसने? अरे उसी ने जिसे तेरे आने का सबसे ज्यादा इंतजार था और जो तेरे आने से सबसे ज्यादा खुश है, माजी पोरगी स्वाति। मेरी बेटी स्वाति की बात कर रहे हैं ये सब। पता है ये सारा खाना उसी ने बनाया है, उसके हाथ में जादू है जादू। और सारे यही कहते हैं जिस घर में भी ये शादी करके जाएगी ना, उस घर में उजाला ही उजाला कर देगी। हाँ क्यों? लो मुंह मीठा करो, खाने के बाद मीठा खाना जरूरी होता है। ये यहाँ के सबसे अच्छे पेड़े हैं। आजी काका, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। आए हम लोग भी ना,
जब से शरद यहाँ पर आया है ये हमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हम लोग हैं कि इसे मौका ही नहीं दे रहे। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते थे तुम? दरअसल बात ये है। रुक बेटा, इनको ना हर सही काम गलत टाइम पे करने की आदत है। अरे ये जिस काम के लिए इधर आया है वो काम तो पहले कर ले। कौन सा काम? अगो भाई, जैसे कि तेरे को पता ही नहीं। अरे तेरी आई ने मेरी बेटी स्वाति को देखने के लिए तो इधर भेजा है तेरे को। रुक, मैं स्वाति को यहाँ लेकर ही आती हूँ, उसके बाद तुझे जो बोलना है वो बोल ले, ठीक है? मैं अभी लेकर आती हूँ। कन्नू दादा, आज अगर शरद ने स्वाति के लिए हाँ कर दी ना, तो मैं आपको पूरे 501 मुदक का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तुम तो जानते हो ना स्वाति की चिंता में काका कितने परेशान रहते, और काकू वो तो बस दिन भर इसी भागदौड़ में लगी रहती है कि किसी तरह स्वाति की शादी पक्की हो जाए और उसकी जिम्मेदारी पूरी हो। वैसे मेरी काकू दिल की बुरी नहीं है, बस स्वाति की शादी की चिंता को लेकर थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तुम ही कुछ करो ना कन्नू दादा। हाँ भक्ति, किस मिट्टी की बनी है तू? बेटा तू इस घर में सबका कितना ख्याल रखती है, पर तेरा ख्याल कोई नहीं रखता। तेरी काकू तुझे डांटती रहती है, मारती रहती है, धिक्कारती रहती है। काका, मेरा ध्यान रखने के लिए आप सब हैं, तो रही काकू की बात, तो वो मुझे अपना मानती है ना, इसीलिए ये सब करती है। ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा एक बात बता मुझे, तूने खाना नहीं खाया ना अभी तक? काका वो मैं समझ गया, इस घर में किसी को तेरी याद नहीं आई होगी ना कि तुझे भी भूख लगती है। देख मैं अपने हाथों से परोस कर लाया, खा ले बेटा। मैं खा लूंगी काका, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा बेटा एक वादा कर मुझसे। कैसा वादा काका? देख बेटा, वैसे तो तू मेरी बेटी की तरह ही है, लेकिन अगले जन्म में मेरी सगी बेटी बन के पैदा होना। मेरे साथ यहाँ है, आपको तो इस समय बाहर स्वाति के साथ होना चाहिए, और आप मेरे साथ हैं यहाँ। आप जाइए बाहर, शायद वहां आपकी जरूरत हो। हाँ बेटा मैं जाता हूँ, तू खाना जरूर खा लेना। गन्नू दादा, कुछ ऐसा करो ना कि शरद स्वाति से शादी के लिए हाँ कह दे। चल गा स्वाति, ले पल्लू। तेरे को पोरगी देखने भेजा और तूने शादी के लिए सीधा हाँ कह दी। आपसे पहले कई लड़के मुझे देखने आए,
और उन सब ने मुझे नापसंद कर दिया। अगर आपने भी मुझे ना कर दिया तो मैं ये जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी।